सर, त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही, सैंपल लिए जा रहे हैं, कुछ सैंपल फेल भी हुए हैं, तो इस महीने कितने सैंपल लिए गए हैं, किन किन एरिया में विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, कितने सैंपल फेल हुए हैं? जैसे कि आपको ज्ञात है कि अब हमारा फेस्टिवल सीजन पीक पर है, तो जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो अलर्ट मोड पे है और हम ज्वाइंट इंस्पेक्शन और रेड अलग अलग जगह कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। इससे पहले हमने अभी झाड़ महाजरी, बद्दी और शालाघाट, धर्मपुर, परमाणु और कुनिहार मार्केट की इंस्पेक्शन की है और वहाँ से सैंपल लिफ्ट किए हैं। अभी तक हमने टोटल 24 सैंपल स्वीट्स और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिफ्ट किए हैं। कुछ सैंपल फेल हुए हैं, जैसे सेब का सिरका, एप्पल सिरका है, जूस है, और जो सिरके की बात आ रही है तो पीने के लिए भी अनसेफ है। तो क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई इस मामले में होगी? जैसे कि आज हमारे पास रिपोर्ट आई है 5-6 सैंपल की, उसमें से 3 सैंपल फेल पाए गए हैं। एक उसमें एप्पल का सिरका है जो कि मिस ब्रांडेड और अनसेफ पाया गया है, और एक जैम और जूस का सैंपल है जो मिस ब्रांडेड पाया गया है। जो हमारे सिरका का सैंपल है वो अनसेफ पाया गया है, और इसमें हम संबंधित जो भी खाद्य व्यापारी है जो बनाता है उसको हम नोटिस सर्व करेंगे, और जो भी फूड प्रोडक्ट वो बना रहा है उसको हम प्रोहिबिट करेंगे, उसको उसको यानी आगे अब इसका उत्पादन नहीं कर पाएगा वो। नहीं कर पाएगा आगे इन फ्यूचर मार्केट में। और हम इसको कमिश्नर को भी लिखेंगे, और जो भी ये सिरका इसने मार्केट में सप्लाई किया है उसको रिकॉल के लिए भी, इसको जो भी संबंधित खाद्य व्यापारी है उसको रिकॉल के लिए भी हम कॉल करेंगे। ये जो आपने सैंपल लिया था ये मैन्युफैक्चरर से ही लिया हाँ हुआ है? हाँ ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिया था, उसकी प्रेमाइसेस से लिया था, परमाणु से। अच्छा, परमाणु से। और जैम और एक जूस का भी बताया आपने हाँ सैंपल ये में। मिस ब्रांडेड है, इसमें लाइसेंस नंबर, लेबलिंग के कुछ वो जो रेगुलेशन है उसमें कमियां पाई गई है। आजकल त्योहारी सीजन है सर, तो पनीर को लेकर कई तरह की बातें आ रही है कि सिंथेटिक पनीर आ रहा है, तो सैंपल भी आप जगह जगह से लिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका ज्यादातर जो क्षेत्र है, क्योंकि शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी तक पनीर के कितने सैंपल लिए गए हैं? हमारा जो भी है मिल्क प्रोडक्ट है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, जैसे खोया हो गया, पनीर हो गया, दूध, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। और पनीर के हमने अभी तक 8 से 10 सैंपल लिफ्ट किए हैं, वो जो अलग अलग जगह पे किए हैं। हमारा पनीर के ऊपर ज़्यादा फोकस है और खोए के ऊपर इस टाइम ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मैक्सिमम मिठाइयाँ इन्हीं मतलब आइटम से बनती हैं। और बाकी कुछ सैंपल फेल भी हुए हैं पनीर के, उनको हमने एडीसी साहब के कोर्ट में लगाया है। और कई पास भी हुए हाँ के होंगे, पास भी हैं, के पास भी है सर। तो मिठाइयों को लेकर भी कई बातें उठती रहती हैं, हर बार मिठाइयों के सैंपल फेल भी होते हैं, तो इस बार मिठाइयों के सैंपल अभी तक फेल हुए जो आपने लिए हैं? नहीं अभी इनकी जो जो भी इस मंथ है हमने 24 सैंपल लिए, इनमें से किसी का भी रिपोर्ट नहीं आई है, पर 14 दिन में के अंदर इनकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। और बाकी जो मिठाइयाँ हैं यही है, मतलब आप जो मिठाई खरीदें वो अच्छे से खरीदें, जान पड़ताल करके ही खरीदें, और किसी अच्छे जो भी व्यापारी उससे खरीदें, और बस यही है। जो सर आपने लीची लीची का जूस का सैंपल हुआ ना, तो ये भी अपना परमाणु से ही लिफ्ट किया कि हाँ और नहीं क्या? नहीं परमाणु से किया लिफ्ट भी, अच्छा, सारे हाँ परमाणु परमाणु से। से ही। तो आगे क्या फर्दर कार्रवाई, क्योंकि दीपावली अब नजदीक आ रही है, तो विभाग द्वारा जगह जगह पर सैंपल भी लिए जा रहे हैं, तो 3-4 दिनों में क्या कार्रवाई होगी? हाँ हम जैसे हमारे पास 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, वो रेगुलरली अब मार्केट में इंस्पेक्शन कर रहे हैं जो जो उनकी एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है। जैसे आज दीक्षा है, उनके पास ये एमसी का एडिशनल चार्ज भी है, तो आज एमसी में इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग कर रहे हैं। बाकी कल अनुज करेगा अपने अर्की एरिया में, और जी, मंडे को हमारा बद्दी नालागढ़ में रहेगा फोकस। बद्दी नालागढ़ में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि वहाँ बॉर्डर एरिया है, तो बाहर से जो भी सामान है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, खोआ, इनके बाहर से पंजाब या हरियाणा से आते हैं, और इनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इनमें मिलावट ज़्यादा होती है, क्योंकि इस टाइम प्रोडक्शन मतलब कंजप्शन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है इन चीज़ों की, तो इन पे इन जो जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और मिठाइयों के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, खासकर हमारे जो बॉर्डर एरिया है। ठीक है। हाँ जी।